चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस क्रम में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने झज्जर में लोगों के साथ योगा के अलग अलग आसन किए। इसी तरह यमुना में परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार ने जिला स्तरीय योग शिविर का उद्घाटन किया। उधर फतेहाबाद में अनुसूचित जनजाति एवं वित्त विभाग की चेयरपर्सन सुनीता दुग्गल ने योग कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं बीजेपी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। गुरुग्राम में शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने शिरकत की। गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित योगा कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री के अलावा जिला उपायुक्त और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप प्रदेश की देख रहे हैं, जुलाना, कोसली और इसके साथ ही नारनौद में। यहां पर भी योगा दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूली बच्चों के साथ साथ अन्य जो भी लोग हैं उस तमाम लोग योग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में योग दिवस के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया आज। और इन कार्यक्रमों में तमाम जो लोग हैं उन्होंने शिरकत की और कहीं मंत्रियों ने तो कहीं आम लोगों ने बढ़ चढ़ कर योग दिवस में अपना जो है एक तरीके से हिस्सा लिया और योग करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपके सामने हैं, इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जुलाना, कोसली और इसके साथ ही नारनौद की तस्वीरें। तो चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है पूरे देश में और इसके साथ ही तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की आप तक पहुंचा रहे हैं हम कि किस तरह से योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और ये अन्य कुछ और तस्वीरें हैं, यमुनानगर, रोहतक, रेवाड़ी, फतेहाबाद और गुरुग्राम, जहां पर अलग अलग तरीके से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लोगों को प्रेरित किया गया। लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है कि योग को लेकर किस तरीके से योग आपकी सेहत को स्वस्थ रखता है, आपको फिट रखता है और आपको योग के प्रति अपनी ओर जो है योगा अपने प्रति अपनी ओर आपको प्रेरित करता है यानी खींचता है। अगर आप योग करते हैं तो वाकई में आपका जो स्वास्थ्य है वो तंदुरुस्त रहता है, बीमारियों से आप दूर रहते हैं। और योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है, जैसे कि आज मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें ये हरियाणा के, जहां पर योग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो इसी तरीके से यमुनानगर, रोहतक, रेवाड़ी, फतेहाबाद और गुरुग्राम, हालांकि पूरे देश में आज योग दिवस मनाया जा रहा है और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में योगा को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन हम हरियाणा की ये अलग अलग तस्वीरें क्षेत्रों की आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग योग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही बता दें कि देहरादून में जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने योग दिवस के मौके पर लोगों को संबोधित किया और वहां पर योग करते नजर आए, उसी तरीके से झज्जर में सीएम मनोहर लाल खट्टर योग करते हुए एक तरीके से योगा दिवस के मौके पर यहां पर वो अपनी मौजूदगी दर्ज उन्होंने कराई। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर योग आसन में हैं, यानी कि उनकी तरफ से भी योग किया गया और झज्जर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की। योग के प्रति लोगों को जागरूक करने की एक तरीके से पहल और इसी के साथ ही ये आपको बता दें ओपी धनखड़ कृषि मंत्री हैं जो योग दिवस के मौके पर इन्होंने भी शिरकत की है कार्यक्रम में। तो प्रदेश के अलग अलग विभागों के मंत्रियों ने कार्यक्रम में योग दिवस के मौके पर कार्यक्रमों में शिरकत की और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री साथ में योग दिवस मनाते हुए और योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया। तो चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन अलग अलग तरीके से किया जा रहा है और इस वक्त की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री दोनों ही यहां पर कार्यक्रम में पहुंचे हैं और कार्यक्रम में अपनी शिरकत उन्होंने की है और योग करते हुए भी नजर आए, योग यहां पर उनकी तरफ से किए गए। तो एक तरीके से योग को और प्रोत्साहन देने के लिए, लोगों में और ज्यादा जागरूकता लाने के लिए हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है।